लोकतंत्र में आपने अभी तक दो अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बीच तनातनी, मारपीट, गाली गलौज देखा होगा, सुना होगा। लेकिन एक ही पार्टी के और एक ही नेतृत्व के नीचे दो माननीय आपस में भिड़ जाएं, सांसद विधायक को जूते से मारे, ऐसा शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। हम आपको दिखाते हैं ऐसी शर्मसार करने वाली तस्वीर जो आई है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से, जहां बीजेपी के सांसद और विधायक सड़क छाप गुंडों की तरह आपस में लड़ रहे थे। हरी सभा में इतने जूते मारे कि गिनते रह जाएंगे। विधायक का सिर और सांसद का जूता। मंत्री, संतरी और कैमरे के सामने जूता एक्शन। जूता स्ट्राइक से विधायक को दे दनादन धो डाला। ये नेता है, माननीय है या सड़क छाप गुंडे? लोकतंत्र में नए जूता कांड की सबसे ताजा तस्वीरें हैं ये। मंत्री भी हैं, डीएम भी हैं, एसपी भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, लेकिन इस ऑडिटोरियम में जो कुछ हुआ उससे लोकतंत्र शर्मिंदा हो गया। खादी बदनाम हो गई, माननीयों की सारी मर्यादा तार तार हो गई। जरा ध्यान से देखिए इन चेहरों को, जनता ने इन्हें चुनकर पार्लियामेंट और असेंबली में भेजा है। नुमाइंदे हैं ये पब्लिक के, लेकिन सबके सामने ऐसा एक्शन दिखाया, ऐसा दिखाया कि लोग दंग रह गए। बात जरा सी थी, लेकिन बतंगड़ ऐसा बना कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का एक काला अध्याय बन गया। तस्वीरें यूपी के संत कबीर नगर की है, लेकिन इसमें सिर्फ शहर का नाम संत है, बाकी यहाँ के नेताओं ने संत जैसा कोई काम नहीं किया है। सत्ता के नशे में चूर सांसद और विधायक ने ऐसा व्यवहार कर डाला कि सारी मर्यादाएं ध्वस्त हो गई। जूता भी चला, थप्पड़ भी पड़े, एक दूसरे को गंदी गंदी गालियों से नवाजा भी गया। संत कबीर नगर के कलेक्टर ऑडिटोरियम में निगरानी कमेटी की बैठक चल रही थी। सभागार में बीजेपी के सांसद शरद त्रिपाठी, उनके बगल में एक शख्स को छोड़कर सफेद कमीज में दिख रहे हैं बीजेपी के मेहदावल से विधायक राकेश बघेल। मंत्री आशुतोष टंडन भी मौजूद थे, एसपी और डीएम समेत पूरा प्रशासनिक अमला भी मौजूद था। तभी सड़क के उद्घाटन वाली शिला पट्टी पर अपना नाम न होने से बीजेपी सांसद भड़क गए। किसी गाइडलाइन में है भाई, ऐसा है उसमें हमसे बात करिए। हम इंजीनियर क्या? मैंने लगवाया है। इंजीनियर आप नहीं है भाई? आप क्या है? मैं फंडामेंटल लाइट, मैं सांसद हूं। फंडामेंटल लाइट बात कर लीजिएगा अभी। आप से क्यों बात करें? क्यों नहीं बात करें? मैं जीजे से बात करूं। आप वहां सांसद, मैं हूं विधायक का नाम है, सांसद मैं हूं विधायक का नाम है। आपने मना किया, आपसे क्या बात करें? बात करिए वहां पे। प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन सामने थे, मामला हाथ से निकल रहा था तो बीच बचाव की कोशिश हुई, लेकिन बीजेपी के दोनों बाहुबली तो सत्ता के नशे में चूर थे। चाल चरित्र और चेहरे वाली बीजेपी के नेताओं ने दो दो हाथ करने से पहले ना तो अपनी पार्टी की लाज का ख्याल रखा, न अपने पद की गरिमा का ध्यान। विधायक राकेश बघेल पर जूतों की बारिश हो चुकी थी, तो वक्त था हिसाब बराबर करने का। उन्होंने भी अपने सांसद को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। पूरे हॉल में ऐसी ऐसी गालियां गूंज रही थी जैसे सड़क पर दो मवालियों के गुट आपस में भिड़ रहे हैं। पुलिस विधायक को संभाल रही थी, सांसद को पार्टी के दूसरे लोग संभाल रहे थे, और नेताजी अपनी बदजुबानी से मर्यादा और गरिमा की धज्जियां उड़ा रहे थे। शक्ति बाबुल, इंडिया टीवी, संत कबीर नगर, यूपी।
सांसद और विधायक के बीच हुए इस जूताकांड ने संत कबीर नगर की राजनीति को गर्मा दिया है। सांसद विधायक ने एक दूसरे पर जूते तो बरसा दिए, लेकिन बाद में समर्थकों ने ऐसा बवाल काटा कि पुलिस के भी पसीने छूट गए। जिला प्रशासन को मामला शांत करने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगानी पड़ी। तो आज कितने विधायकों का पैदा किया समझे? इस जूता कांड ने संत कबीर नगर की सियासत को चर्चाएं आम कर दिया। एक ही पार्टी, एक ही सिंबल और एक ही नेतृत्व, लेकिन आपस में इतना बैर। शिलापट्टी पर नाम न लिखे जाने के बाद सांसद के जूते ने विधायक के सिर पर चोट नवाज दी। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों बीजेपी के। पहले लगा कि मामला निपट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिटे विधायक के समर्थक भड़क गए, हंगामा प्रदर्शन करने लगे, तो मौके की नजाकत को भांपते हुए डीएम साहब एक्शन में आए। फौरन सांसद शरद त्रिपाठी को कमरे में बंद कर दिया। लेकिन उधर बाहर विधायक राकेश बघेल के समर्थक बेकाबू हो चुके थे, बदला लेने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस को घेर लिया। डैमेज कंट्रोल करने के लिए भारी पुलिस बल को बुलाना पड़ा, लेकिन विधायक के समर्थन बेकाबू हो गए और डीएम दफ्तर में ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई और उसने बीजेपी विधायक के समर्थकों को पीट दिया। इतना सब होने के बाद बीजेपी सांसद की रगों में रवानगी भरता खून भी शांत हो चुका था, तो सफाई देने सामने आए, बोले गलती हो गई। देखिए, जो भी कुछ हुआ, यह मेरा आचरण कभी नहीं था, अनाचरण है और यह हमें अच्छा भी नहीं लग रहा है। और आत्मरक्षार्थ कभी कभी कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती। आत्मरक्षा में सांसद महोदय ने जूता मारा और बाद में इनकी सुरक्षा के लिए कलेक्ट्रेट दफ्तर की बिजली कटवा दी गई। अंधेरे में सांसद को निकाला गया, लेकिन बीजेपी विधायक सांसद शरद त्रिपाठी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वहीं धरने पर बैठ गए।